Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 9th February 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves, keep on following all the safety precautions and stay happy, healthy and safe children. And as you all know, I've started with the revision, we have completed the course. And now I've started with the revision. So अगर किसी ने पहले क्लास नहीं अटेंड की थी, कोई भी डाउट है, आप फिर से वीडियो देख करके आप अपना वर्क पूरा कर सकते हो और कोई भी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हो. ओके, एग्जाम्स आपके नेक्स्ट ट्यूजडे स्टार्ट हो रहे हैं. टुडे इट इज 9th, हार्डली एनी टाइम इज लेफ्ट. तो अगर अभी भी नहीं किया है तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो. ओरल एग्जाम आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. सो चिल्ड्रन, आई स्टार्ट द रिविजन विथ रिविजन. अभी हम ग्रामर पार्ट का हमने स्टार्ट किया हुआ है. सो टुडे आई विल बी डूइंग यूनिट 11, दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो आई होप चिल्ड्रन यू ऑल रिमेंबर, अभी सबको याद होगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसे कहते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने कोर्स बुक में भी पढ़ा है, ठीक है, कोर्स बुक में भी, ग्रामर एक्सरसाइज में भी हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़ा एंड अदरवाइज ऑल्सो लेसन्स में भी हमने बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े. अगर आपको याद होगा तो लेसन नंबर 3 में हमने पढ़ा, लेसन नंबर 5 में पढ़ा विजिट टू द वेजिटेबल शॉप. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मेनी टाइम्स. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते किसे हैं? वर्ड्स विच गिव अस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी नेमिंग वर्ड. ठीक है, जो वर्ड्स हमें नेमिंग वर्ड्स दैट इज नाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, सो जैसे आप बोलते हो ना कि माय मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, माय सिस्टर इज़ वेरी क्यूट. तो आपने बोला मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, ठीक है, मेरी सिस्टर बहुत क्यूट है. तो सुंदर, सुंदर जो वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है, दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट योर मदर. आपके मम्मी के अपीरेंस के बारे में बता रहा है. माई पापा इज़ वेरी हैंडसम, बहुत स्मार्ट है मेरे पापा. तो हैंडसम बोला, ये स्मार्ट बोला, ये क्या बता रहा है? मतलब आपके फादर का जो अपीरेंस है वो देखने में कैसे लगते हैं, उनके बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है, सो जो वर्ड्स हमें किसी भी नेमिंग वर्ड के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, दे आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड. अभी वो कोई खाने की चीज़ है तो उसका टेस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसका शेप हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, ऐसे जैसे हम नंबर्स बोलते हैं, 2 apples, 5 pineapples, तो किसी ऐसी चीज़ है उसका अगर हम नंबर बोलते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है, कोई ड्रेस है, कुछ है तो कैसी दिखती है, किसी का अपीरियंस, कोई फैट है, थिन है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, वीक है, ओल्ड है, यंग है, तो किसी का अपीरियंस कैसा है, एज कैसी है, ऑल दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है, सो जैसे अगर आप अपनी मम्मी के लिए बोलते हो कि माई मदर इज़ वेरी टॉल एंड ब्यूटिफुल, शी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है, तो टॉल एंड ब्यूटिफुल कैसी है मम्मी मेरी? टॉल है एंड ब्यूटिफुल हैं, उनके बहुत लंबे और काले बाल हैं. तो टॉल एंड ब्यूटिफुल आपकी मम्मी के अपीरेंस के बारे में बता रहा है. ओके, लॉन्ग ब्लैक हेयर, लॉन्ग लंबे और काले बाल हैं, तो क्या बता रहे हैं? आपकी मम्मी के बाल के बारे में बता रहे हैं. सो दीज वर्ड्स आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है, नाउ अभी हम एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बट आई विल नॉट बी डूइंग द एक्सरसाइजेस विच आर देयर इन द बुक. ठीक है, ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइजेस है वो तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसलिए उसको मैं नहीं कर रही हूँ. मैं दूसरी एक्सरसाइजेस करूँगी फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, नाउ आई विल राइट सम सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस लिखूंगी, उसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना है मुझे. यू हैव टू सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस. ठीक है, सो एक्सरसाइजेस, सर्कल द DESCRIBING, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है, मैं जो भी सेंटेंस अभी लिख रही हूँ उसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड को सर्कल करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज द वॉटर इज कोल्ड, सेकेंड इज
mother drinks hot tea. Sonu draws a colorful rainbow. ठीक है, अभी मैं जस्ट सेंटेंसेस लिख रही हूं. ओके, सोनू ड्रॉज अ कलरफुल रेनबो. रीना लाइक्स फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स. एंड फिफ्थ इज रीता हैज अ न्यू ड्रेस. ठीक है, अभी हम इसको सर्कल करेंगे. ओके, अभी जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, अभी नाउ वी विल सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, चलो देयर इज स्पेस, तो मैं एक सेंटेंस और लिख देती हूँ. ठीक है, एक सेंटेंस और लिख देती हूँ. ज्योति हैज बिग आईज. ठीक है, नाउ लेट अस एनसर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है, फर्स्ट में क्या है, द वॉटर इज कोल्ड. पानी ठंडा है. कैसा है पानी? ठंडा, कोल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? कोल्ड. ठीक है, एंड इट टेल्स अस अबाउट, वो किस नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? इट इज डिस्क्राइबिंग द नेमिंग वर्ड वॉटर. यहाँ पे जो कोल्ड है, जिसे हम कहते हैं ना पानी ठंडा है गर्म है, तो यहाँ पे जो वर्ड कोल्ड है, कोल्ड इज डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड इट इज डिस्क्राइबिंग द नेमिंग वर्ड वॉटर. ठीक है, मदर ड्रिंक्स हॉट टी, मतलब मम्मी गर्म चाय पीती हैं. तो क्या पीती हैं? हॉट टी. यहाँ पे मदर भी नेमिंग वर्ड है और क्या नेमिंग वर्ड है? टी. डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड इज हॉट, क्योंकि ड्रिंक्स तो एक्शन वर्ड है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड इज हॉट. एंड हॉट किसके बारे में बता रहा है? हॉट टेल्स अस अबाउट टी, कैसी चाय? हॉट टी. जैसे यहाँ पे हमने बोला कोल्ड वाटर, हॉट टी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी. तो यहाँ पे जो हॉट है, इट इज गिविंग अस सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टी. तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? हॉट है. एंड इट टेल्स अबाउट टी, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? टी के बारे में. ठीक है, देन सोनू ड्रॉज अ कलरफुल रेनबो. ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो वर्ड किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? कलरफुल, रंग बिरंगा. ठीक है, तो सोनू कैसा रेनबो, सोनू ने कैसा रेनबो ड्रॉ किया? कलरफुल, रंग बिरंगा. सोनू इज अ नेमिंग वर्ड, ड्रॉज एक्शन वर्ड है, रेनबो इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड. तो कलरफुल क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कलरफुल एंड इट इज डिस्क्राइबिंग रेनबो. तो यहाँ पे कलरफुल जो है, दैट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड इट इज डिस्क्राइबिंग द नेमिंग वर्ड रेनबो. ये हमें रेनबो के बारे में बता रहा है, कैसा रेनबो? कलरफुल रेनबो. ओके, देन रीना लाइक्स फ्रेश फ्रूट. वॉट काइंड ऑफ फ्रूट? कैसे फ्रूट? फ्रेश. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? फ्रेश हो गया. और फ्रेश हमें क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग अस द, यू कैन से, क्वालिटी. कैसे फ्रूट है? फ्रेश फ्रूट है. ये क्या हो गया? फ्रूट, फ्रूट को डिस्क्राइब कर रहा है. फ्रेश, फ्रेश इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. देन रीता हैज अ न्यू ड्रेस. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस रीता हैज? रीता के पास कैसी ड्रेस है? न्यू ड्रेस. तो ये क्या हो गया? न्यू इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग दिस नेमिंग वर्ड ड्रेस. ड्रेस के बारे में मैं बता रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस? न्यू ड्रेस. देन ज्योति हैज बिग आईज. ठीक है, इसमें नेम डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? बिग. एंड दिस वर्ड डिस्क्राइब्स आईज. किसको बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? आईज. ठीक है, तो ज्योति बिग जो है, दैट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड इट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट आईज. ओके, ज्योति हैज बिग आईज. ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज क्लियर. अभी हम एक दो एक्सरसाइजेस और करेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड पे बेस्ड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करने जा रही हूं. चलो इसको मैं इरेज कर दूं. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज, अभी मैं एक ड्राइंग बनाऊंगी, उसके लिए आपको करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है, ठीक है। यह है राइट, सी ओ आर आर ई सी टी, करेक्ट, डी ई एस सी आर आई बी आई एन जी, करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। अभी जैसे डैश फ्लावर, एंड डैश फ्लावर, डैश एंड पहले इसको ये दो बताते हैं, ये दो करते हैं, देन अभी ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, कलर तो यहाँ पे है नहीं, कलर तो मैं बोर्ड पे नहीं कर सकती हूँ, तो वी कैन, जैसे मैंने बताया था कि जब डिस्क्राइबिंग वर्ड अगर आपको लिखना है, इफ़ यू हैव टू राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो व्हाट ऑल, जैसे अभी फ्लावर है, तो फ्लावर के लिए आप क्या क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड सोच सकते हो, वी कैन थिंक ऑफ द कलर, बट यहाँ पे कलर नहीं है तो कलर हम नहीं बता सकते, ठीक है। उसकी स्मेल तो हम इसमें सूंघ नहीं सकते, तो इट्स फ्लावर है तो वी कैन थिंक ऑफ इट्स कलर, वी कैन थिंक ऑफ इट्स स्मेल, अच्छी स्मेल है गंदी स्मेल है, फ्लावर्स की नॉर्मली स्मेल हमेशा अच्छी ही होती है। हियर वी कैन राइट द साइज, और तो क्योंकि इसमें हम कलर नहीं लिख सकते फ्लावर के लिए, तो हम साइज लिख सकते हैं, तो एज कंपेयर टू दीज टू, ये दो को जब हम कंपेयर करते हैं, तो दिस इज अ बिग फ्लावर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बिग फ्लावर, and this is a small flower, ठीक है, big flower and small flower. Now two different type of faces, ठीक है, तो इस जैसे आप smiley, सब बच्चे जानते हैं हम लोग smiley use करते हैं आजकल, तो ये वाला जो face है ये हम किसके लिए smile, किसके लिए use करते हैं, किस तरह के expression के लिए, sad, अगर किसी को हमें sad दिखाना है तो हम ऐसा वाला expression use करते हैं, so this is sad face. और अगर happy दिखाना होता है तो what kind of expression do we use? We use this kind of face. तो happy face, ठीक है? Happy face and sad face, ठीक है? अभी मैं फिर कर रही हूँ, ठीक है? इसके बाद भी एक दो और बनाती हूँ. एक और मैं बनाती हूँ. ये एक बास्केट है, ठीक है, बास्केट में ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस हैं बास्केट में, ठीक है, डैश ऑरेंजेस, और एक और मैं यहां बना रही हूं, ये प्लेट आप समझ लो, जो भी समझ लो, तो ये व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट द नंबर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो यहाँ पे क्या है, फोर ऑरेंजेस एंड हियर वी हैव थ्री, तो थ्री ऑरेंजेस, ठीक है, तो नंबर जो है, नंबर भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, व्हेन दे टेल अस, यहाँ पे हमें फोर ऑरेंजेस का मतलब वी नो कि प्लेट में या बास्केट में फोर ऑरेंजेस है, एंड व्हेन वी से थ्री ऑरेंजेस मतलब वहाँ पे थ्री ऑरेंजेस है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ नंबर्स है, वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है. Okay, so I think children, the concept of describing word is clear to you now. अगर कोई paragraph भी दिया है उसमें से, if you have to find out the describing word, तो भी आप find out कर सकते हो. Sentence में circle करना है वो आप कर सकते हो. If you have to write describing word for the given noun, कोई picture बनी है उसको देख करके appropriate describing word लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो. I'm sure किसी में कोई doubt नहीं होगा, ठीक है ना. If suppose I have given a picture and उसके बारे में अगर आपको मैंने sentence दिया and you have to complete the sentence with describing word, तो आप वो भी कर लोगे, but उसके लिए ज़रूरी ये है कि your concept should be clear.
ओके चिल्ड्रन, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन, एंड एनी डाउट यू हैव यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास और वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशन. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.